वेलकम बैक टू योर चैनल अगेन दोस्तों। आज मैं कुछ वैकेंसीज लेकर आया हूँ आपके लिए। अगर आप 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करे हुए हैं तो ये वैकेंसीज आपके लिए बहुत काम की हैं। ये वैकेंसी स्टारबक्स के अंदर है। इसके 30,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं दुनिया भर में, 80 से ज्यादा कंट्रीज में ये रन कर रहा है। इस कंपनी के अंदर अलग अलग डेजिग्नेशन निकली हुई है। स्टोर मैनेजर की डेजिग्नेशन है, एडमिन में डेजिग्नेशन है और काफी सारी डेजिग्नेशन है। तो अगर आप जॉब तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक एक वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, डिटेल के अंदर बताता हूँ मैं आपको कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन रहनी है इसमें और क्या रेलिवेंट एक्सपीरियंस रहना है। जो सबसे पहले आपको ये काम करना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे वो ओपन कर लीजिए। स्टारबक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जाना है। करियर्स का जो पेज है उसको ओपन करना है। जब आप ओपन कर लेंगे उसके पेज को तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा, जैसे मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे अभी जो वैकेंसी निकली है 8 जनवरी 2023, मतलब ये कल वैकेंसी निकली थी शिफ्ट सुपरवाइजर की, बरिष्ठा में निकली है करनाल हाईवे पे 8 जनवरी 2023 को। नागपुर में निकली है शिफ्ट सुपरवाइजर की, फिर बरिष्ठा में निकली स्टोर मैनेजर की दिल्ली में निकली है 8 जनवरी 2023 को। स्टोर मैनेजर में की वैकेंसी निकली 8 जनवरी 2023 को बेंगलोर में। अब इसमें अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग डेजिग्नेशंस की वैकेंसी निकली है। मैं एक वैकेंसी के बारे में आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। सपोज कीजिए मुझे नोएडा में जॉब करनी है स्टोर मैनेजर की, तो स्टोर मैनेजर का मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ और जब ये खुलकर आता तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। देखिए सबसे पहले अबाउट स्टारबक्स, स्टारबक्स के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल से इसमें लिखा हुआ है। पर्पस एंड स्कोप ऑफ पोजीशन, अब पर्पस एंड स्कोप आपको देखना है क्या है इसके अंदर, इस पोजीशन के अंदर। लीडिंग द स्टोर ऑपरेशंस, मतलब जो स्टोर के अंदर ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर आपको लीड करना है। टीम ऑफ स्टोर पार्टनर टू क्रिएट एंड मेंटेन द स्टारबक्स एक्सपीरियंस फॉर आवर कस्टमर एंड पार्टनर्स। The main areas of work of a store manager involve reaching sales target, increasing profit, मतलब जो main आपका काम है वो sales increase करनी है और जो profit है उसको बढ़ाना है। अब summary and key and responsibilities में आप देखिए, इसमें की एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी हैं। अब इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज और कीज को आपको एक एक करके पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा लंबी है इसलिए मैं पढ़ के नहीं बता सकता आपको एक एक चीज़, आपको इसे आसानी से आराम से पढ़ना है बैठकर। उसके बाद आप नीचे जब देखेंगे तो समरी ऑफ एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, अब इसमें जो क्वालिफिकेशन है उसका जिक्र मैं कर देता हूँ वो क्या क्या चाहिए। इसमें देखिए आप 12th पास होने चाहिए, IHM स्टूडेंट और होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट, 12th के साथ आपके पास होटल मैनेजमेंट ग्रेड होना चाहिए। लेट आर्ट एक्सपर्ट होने चाहिए, हैज अ डेप्थ नॉलेज ऑफ कॉफी, कॉफी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि स्टारबक्स का काम है कॉफी सर्व करना और स्टारबक्स सबसे बड़े स्टोर्स में आता है जो कॉफी सर्व करते हैं। जब आप उससे कॉफी मांगने के लिए जाते हैं स्टोर पर तो आपकी कॉफी के गिलास पर नाम भी आपका मेंशन होता है, तो ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है स्टारबक्स की। तो स्टारबक्स में काफ़ी अच्छा स्कोप है, फ्यूचर में काफ़ी सारा ग्रो है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, आसान जॉब है और आपकी क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा कुछ खास नहीं चाहिए, 12 चाहिए आपका, होटल मैनेजमेंट का चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए आप इसमें। अगर आपको अपने क्राइटेरिया के हिसाब से जॉब देख रही है तो वो भी देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। आप इसमें बैक करेंगे तो देखिए जब नीचे करते जाएंगे तो काफ़ी सारी अभी की अपडेटेड वैकेंसीज। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कुछ पसंद आया हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, कुछ समझ में बात नहीं आई हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।